बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम मेंबर्स, कैसे हैं आप सब लोग। पहले कलर्स के देख लो, रिदा अमार के एक ये हो गया, इसका पेल येलो कलर है, ब्राउन कलर है और ये क्या आपका ब्लैक शेड है। तो टोटल मेरे पास इसके तीन शेड्स अवेलेबल है, जिसमें से मैं एक आपको इस ब्राउन का ओवरव्यू देने लगी हूँ रिदा, कि भाई ये देखो, ये इसका फ्रंट है और ये इसका बैक है। बैक पर भी आपको एक जिपर दिया हुआ है। अब मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि आप लोगों को इसका कलर का आइडिया हो रहा होगा कि नहीं, क्योंकि ये है आपका ब्राउन विद ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन। ऐसे देखो, ये वाला जो कलर है ये है ब्राउन विद ब्लैक में। टॉप पर भी इसके जिपर है, सिंगल कंपार्टमेंट है, दो पॉकेट भी हैं और जिपर भी है। तो फिर एक था ये हमारा फ्लोरल प्रिंट पर मीडियम साइज़ एक बैग था। पूरे बैग पर आपका फ्लोरल प्रिंट है, बैक साइड पर भी इसका फ्लोरल प्रिंट ही है। और फिर इसके जो साथ है, इसके भी टॉप पर जिपर है, इसके भी हैंडल्स के ऊपर आपका पूरा फ्लोरल प्रिंट हुआ हुआ है। ये देख लो भाई, पूरे हैंडल्स पर भी फ्लोरल प्रिंट ही है। यह आपको वॉलेट्स मैं दिखा देती हूँ कि जो जो मेरे पास अवेलेबल हैं वो हैं ये वाले दो। तो आपके ये हो गए, मेरे पास एक है रेड कलर का सीक्वेंस वॉलेट और एक है आपका ये वाइट कलर का फर वाला वॉलेट। इसके ऊपर किटी भी बनी हुई है, एक फर वाली कीचेन दी हुई है, दोनों दोनों के साथ फर वाली कीचेन है। दोनों का इनर भी सेम है, दोनों में आपको एक एक मोबाइल होल्डर दिया हुआ है। दोनों के अंदर आपको मतलब कार्ड सेक्शन दिए हुए, दोनों के अंदर एक एक कंपार्टमेंट ही दिया हुआ है। बाकी मेरे पास ये वाले ऐसे चार्ल्स एंड कीथ के वॉलेट हैं। ये देखो, इसके फ्रंट पर चार्ल्स एंड कीथ का लोगो है, जिपर के ऊपर भी सीके मेंशन्ड है, अच्छा खासा वॉलेट। नेक्स्ट आर्टिकल अभी के चेक करो, टोरी ब्रश के हैं मेरे पास, क्रॉस बॉडी बैग्स हैं, ब्लैक ब्राउन स्किन और न्यूट पिंक शेड में। इसकी जो लॉन्ग बेल्ट चेन है वो आपकी स्टेनलेस स्टील पर है, ब्लैक नहीं होगी। इसके फ्रंट पर आपका टोरी ब्रश का लोगो है, इसके साथ साथ इसके टॉप पर भी जिपर जो है वो आपका स्टेनलेस स्टील पर है। सिंगल कंपार्टमेंट है, इनर पर भी आपका टोरी ब्रश की टैगिंग हुई हुई है। इसका फ्रंट है और ये इसका बैक है, आगे भी दोनों साइड पर इसका सेल्फ प्रिंट है। वो जो बर्बरी का पूरा प्रॉपर लोगो नहीं होता, वो हॉर्स और उसके ऊपर जो वॉरियर बना हुआ होता है। इसके फ्रंट पर आपका बर्बरी का लोगो है, साथ ही साथ एक आपको बर्बरी की कीचेन भी दी हुई है। इसके बाद है इसका सिंगल कंपार्टमेंट, पूरे इनर पर बर्बरी के लोगो की स्टैंपिंग और साथ ही साथ एक आपको वॉलेट भी दिया हुआ है। वॉलेट के ऊपर भी इसका बर्बरी का लोगो मैंशनड है, आगे भी दोनों साइड पर। जिपर के ऊपर भी बर्बरी मैंशनड है, ठीक है, और इस वाले जिपर के ऊपर भी है। तो ये टू पीस हो गया, ट्रिपल ए क्वालिटी का माल। एक ये था बर्बरी में, दूसरा मेरे पास एक ये है मीडियम साइज में, ये इसका फ्रंट है और ये इसके बैक पर एक जिपर दिया हुआ है। टोट बैग ओवरव्यू दे दें, अच्छा देती हूँ। डुअल कंपार्टमेंट है, सेंटर जिपर है, साथ ही साथ एक आपको लॉन्ग स्ट्रैप भी दिया हुआ है। लॉन्ग स्ट्रैप के अलावा इसके दोनों साइड पर आपको जिपर ऑप्शंस दिए हुए हैं। और ये देखो भाई, ये कीचेन भी साथ दी हुई है, ये कीचेन भी साथ दी हुई है फर वाली। मेरे हाथ में नहीं आ रही, इतनी सॉफ्ट है। तो ये येलो है, पिंक है और ब्लूइश ग्रे है और फिर ये ब्लैक बॉटल ग्रीन है, ये चार शेड्स हैं। फिर ये चेक करो, ये भी मेरे पास बेबी पिंक कलर में, कि ये इसका फ्रंट है और ये इसका बैक हो गया। फ्रंट से हमने इसके बकल को ओपन किया, ट्रिपल कंपार्टमेंट है, सेंटर जिपर है, लॉन्ग स्ट्रैप भी साथ गिवन है। ये देखो भाई, अच्छा खासा स्पेशियस बैग है। सुभान मेहताब, अगर आप इसकी प्राइस में 30 देख लो, ये इसका लॉन्ग स्ट्रैप भी साथ आ गया। अरे मेरे पास एक और है पिंक कलर में, मैं वही तो बोलूं कि उसका पिंक कलर कहाँ गया। ये देखो, एक ये वाला भी मिल जाएगा, ये इसका फ्रंट है और ये इसका बैक है। फ्रंट पर इसका ये पता नहीं कोई चाइनीज ब्रांड है, उसकी टैगिंग हुई हुई है। ट्रिपल कंपार्टमेंट के साथ है, फर्स्ट सेकंड है जिपर के साथ और फिर ये कि आपका थर्ड कंपार्टमेंट आ गया। लॉन्ग स्ट्रैप भी इसके साथ ही गिवन वाला आर्टिकल अवेलेबल है, ब्लू एंड ग्रे, सी ग्रीन और पिंक है, तीन शेड्स अवेलेबल है ना। एक ये है वाइट कलर में, एक है ये आपका ऑरेंज कलर का प्रिंट है, साथ ही साथ एक ये हमारे पास ब्लैक कलर का है, ग्रे फ्लोरल है। अब ग्रे फ्लोरल के बाद मेरे पास ब्लैक फ्लोरल भी है,
इस ब्लैक फ्लोरल के बाद मेरे पास एक और कोच ब्रांड का ब्लैक फ्लोरल है। फिर आप एक ये भी देख सकते हो, एक ये मेरे पास बटरफ्लाई पे है फ्लोरल प्रिंट पर, साथ ही साथ एक ये एलवी का प्रिंट है ब्लैक विद ग्रे कलर कॉम्बिनेशन पर है। फिर एक ये ब्राउन कलर में फ्लोरल पर है, एक ये आपका पेल येलो में है फ्लोरल पर, मरून विद वाइट लाइनिंग के साथ है, ब्लैक विद वाइट लाइनिंग के साथ है, ब्राउन विद वाइट लाइनिंग के साथ है, बर्गंडी लाइनिंग के साथ है। फिर एक ये प्लेन मरून शेड है, प्लेन में ही स्किन कलर है, प्लेन में ही मेरे पास एक ब्लैक शेड मिल जाएगा, प्लेन में ही रेड कलर भी है और प्लेन में ही ब्राउन और प्लेन में ही एक न्यूड पिंक भी हो गया। तो टोटल 3, 4, 5, 6 शेड्स अवेलेबल है मेरे पास ये प्लेन शेड्स में। फिर एक ये देखो ब्राउन विद ब्लैक है, स्किन विद ब्लैक है, मल्टी कलर है, रेड विद ब्लैक है, ये चार हो गए आपके कुछ लाइनिंग वाले। और फिर एक ये है हमारे पास COCO के प्रिंट्स हैं ये, इसके अंदर तीन शेड्स हैं, एक ब्लैक हो गया, एक स्किन हो गया और एक ब्राउन हो गया। मैंने इनको आपको हैंडल्स के कलर्स बताए, ब्राउन है, स्किन है, ब्लैक है।